उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद का निघासन खौफनाक वारदात के बाद दहल गया था। एक मां के सामने उसकी दो बेटियों को चार बदमाशों ने किडनैप किया, गैंग रेप किया गया और फिर गला घोटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए दोनों शवों को पेड़ से लटका दिया गया। अब इस घटना में कोर्ट की तरफ से आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई है। दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा और दो को 6 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ये घटना 14 सितंबर 2022 की है। इस मामले में लखीमपुर खीरी प्रशासन से लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तक पे सवाल खड़े किए गए थे। फिर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस की जांच चली और अब 11 महीने बाद गैंग रेप मर्डर केस में कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई तो आरोपियों को सजा सुना दी गई। घटना के ठीक 11 महीने बाद यानी 14 अगस्त को लखीमपुर खीरी कोर्ट ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई। दोष सिद्ध किया गया। आज माननीय न्यायालय में सजाए के बिंदु पर सुनवाई हुई। जो अभियुक्तगण जुनैद और छोटू उर्फ सुनील हैं उनको आजीवन कठोर कारावास, 46,000 रुपये जुर्माना और जो इनके सहयोगी अभियुक्तगण आरिफ और करीमुद्दीन हैं इनको 6-6 वर्ष की कठोर सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 5G/6 पाक्सो एक्ट की जो धारा है उसमें जो अभियुक्तगण हैं सुनील और जुनैद को शेष प्राकृतिक जीवन जब तक रहेगा तब तक की सजा का आदेश किया गया है और जो इसमें वादनी मुकदमा है जो जुर्माना की राशि दी गई है उसमें 50,000 रुपये उसको देने का आदेश किया गया। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले थे। इसके बाद सनसनी मच गई, दावा किया जाने लगा कि ये सुसाइड है। हालांकि लड़कियों की मां ने आरोप लगाया कि उसके सामने ही पड़ोस का एक लड़का और 3 अन्य युवक उनकी बेटियों को अगवा करके ले गए। चारों बाइक से आए थे, दोनों लड़कियों को घसीटते हुए ले गए। जब तक उनको पकड़ा जाता वो फरार हो चुके थे। इस पूरी वारदात में लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अब इस जघन्य हत्याकांड में लखीमपुर खीरी कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों की अपहरण के बाद रेप हत्या मामले में 11 तारीख को 4 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ था। कुल 6 आरोपी थे, इनमें 4 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ था और आज उनकी सजा मुकर्रर की गई है। हमारे साथ ADGC पास्को स्पेशल संजय सिंह जी हैं बात करने के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ सजा मुकर्रर की गई। जुनैद छोटू सुनील को धारा 302/34 कॉमन इंटेंशन है और 376 DA 323/452/363 में दोष सिद्ध किया गया था 11 तारीख को। आज सजा के बिंदु पे सुनवाई हुई। सजा के बिंदु पे हम लोगों ने जोरदार बहस किया और ये जुनैद और छोटू को आजीवन कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया। माननीय न्यायालय न्यायाधीश द्वारा श्री राहुल सिंह द्वारा आरिफ और करीमुद्दीन को 6-6 वर्ष की सजा का सुनाया गया। 6 कुल आरोपी थे, बाकी जो शेष बचे हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? एक का किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है और दूसरे सुहेल का जो है न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 11 नंबर में चल रहा है। बहुत जल्दी उसका भी फैसला आने वाला है। दोष सिद्ध को लेकर सुहेल की कब तक तारीख लगी है, कब उस पर दोष सिद्ध? अभी तो 16 तारीख लगी हुई है, 16 के बाद ही बता पाएंगे इसमें। तो ये जो है ADG संजय सिंह ने बताया कि पूरे मामले में जिसमें 6 आरोपी थे इन पर 11 तारीख को 4 लोगों पर दोष सिद्ध हो चुका था जिनमें आज 2 को आजीवन कारावास और 15,000 का आर्थिक दंड दिया गया है। साथ ही 2 लोगों को 6-6 वर्ष की सजा के साथ में 5,000 का आर्थिक दंड है। शीघ्र सुनवाई के साथ लगभग 334 दिनों में ये सजा मुकर्रर की गई है। हालांकि इस घटना के बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई थी और सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जल्द ही जो है इतनी जल्दी 11 माह के अंदर लगभग ये जो है इस कांड में सुनवाई हुई है। 2 लोगों पर अभी दोष सिद्ध होना बाकी है, इसमें एक जुनाइल कोर्ट में चल रहा है और एक सुहेल जिसके लेकर 16 तारीख उसके दोष सिद्ध होने को लग सकती है। नवा टाइम्स लखीमपुर खीरी।